नन्ना क्या बात है, बहुत बढ़िया। तारे बजिए के जीती हूँ तुम्हें देख के, हमारे भैया संजय मिश्रा जी आपकी तरफ से ये 51 मुद्राएं आई हैं और आपने कहा कि एक बार यही धुन फिर से गा दीजिए आप। और भैया हमारे राजू यादव जी आपकी तरफ से भी 51 रुपए आए हैं और आपकी फरमाई से आंख से छलका आंसू। सुनिएगा मेरी ओर से।
और ये अंतिम प्रस्तुति मेरी तरफ से है। और का कलाकार बहुत से उपस्थित हैं यहाँ पर, एक एक सभी की प्रस्तुति होनी है। और का कलाकार भी हैं, कलाकाराएं भी हैं, तो सभी के मुखारविंद से कुछ ना कुछ आपको सुनने को मिलेगा। एक समय की बात, हे नागपास में फंसे लक्ष्मण के संग राम, भगवान श्री राम और लखन लाल जब नागपास में बन गए, थे नागपास में फंसे लक्ष्मण के संग राम, बुलाया गया भगवान गरुण जी को, मुक्त किया गरुण ने प्रभु दे रहे इनाम। और जब गरुण जी ने उनको मुक्त कर दिया तो भगवान बोले कि गरुण जी बताइए आपको क्या चाहिए, आपके इस कार्य के लिए हम आपको कुछ देना चाहते हैं। तो देखिए गरुण जी क्या कह रहे हैं। रघुनाथ बोले गरुण जी किस मांग का विचार, क्या चाहिए आपको। रघुनाथ बोले गरुण जी किस मांग का विचार, प्रभु जो द्वापर में आप अवतार लेकर आने वाले हैं, मैं एक बार उस रूप का दर्शन करना चाहता हूं। तो भगवान श्री राम कहने लगे आपने ये मांग करके मुझे सोच में डाल दिया, क्यों। हनुमान जी के सामने ये कामना आसान, सामने हनुमान जी बैठे हैं और उनके सामने हम द्वापर वाला रूप बना ले, ये आसान बात नहीं है। तो उन्होंने कहा हनुमान जी के सामने ये कामना आसान, बोले गरुण जी प्रभु आप व्यर्थ परेशान। बोले भगवान आप बेकार में परेशान हो रहे हैं, मैं अभी इसका इंतजाम किए देता हूं। तो भगवान ने कहा कैसे। पंखों से अपने कोठी एक तैयार करें हम, गरुण जी ने अपने विशाल पंख फैलाए और कहा प्रभु एक कोठी बना करके मैं तैयार कर रहा हूं, आप इसके अंदर आ जाइए और मुझे वही द्वापर वाला रूप दिखा दीजिए। पंखों से अपने कोठी एक तैयार करें हम, श्याम बने आप इंतजार करें हम। और वही द्वापर वाला रूप आप बना दीजिए ताकि आप देख लें। अब जब ये कहा तो हुआ क्या, पर दूर बैठे देख रहे लीला हनुमान, हनुमान जी सब देख रहे थे, पर दूर बैठे देख रहे लीला हनुमान, प्रण प्रण हनुमान ने किया मेरे राम बने श्याम। भगवान जो मेरे आराध्य हैं वो श्याम बनने जा रहे हैं और वो भी गरुण जी के कहने पर, तो होता क्या है। कहने लगे प्रण हनुमान ने किया कि मेरे राम बने श्याम, लेकिन एक बार एक समय ऐसा मैं भी ला दूंगा, कैसा कि मेरे लिए बनना पड़ेगा श्याम को भी राम। एक दिन ऐसा मैं भी समय ला दूंगा कि जो आज रूप बना रहे हैं आने वाले समय में यानी कन्हैया को भी राम के रूप में आना पड़ेगा। और जब ऐसा मन ही मन हनुमान जी ने प्रण कर लिया तो देखिए होता क्या है। भगवान पंखों के अंदर गए और उन्होंने अपना रूप परिवर्तन किया।
और रूप परिवर्तन किया तो हुआ क्या? क्या हुआ? जैसे भगवान राम पहुंचे, हाँ। रूप परिवर्तन किया कैसा? द्वापर में ही त्रेता का अवतार हो गया। द्वापर में ही त्रेता का अवतार हो गया, रघुवर का मोर पंख सोचने वाली बात है। भगवान श्री राम का मोर पंख से श्रृंगार हो गया, इसीलिए रघुवर का मोर पंख से श्रृंगार हो गया। और क्या क्या हो गया? देखिए रावण का काल सुदामा का यार हो गया। जो रावण के काल है भगवान राम, वो सुदामा के यार यानी मित्र कन्हैया बन गए। तो कहा है क्या? जो भगवान प्रभु राम जो सीता माता के पति हैं, जब परिवर्तन किया रूप का तो क्या हुआ? सीता का पति राधा का भर्तार हो गया। रघुवंशी यदुवंशी हर प्रकार तो सब देख ही रहे थे। सोचा क्या? पंखों के झरोखे से, पंखों के झरोखे से कपि ने देखा जो गौर से, पंखों के झरोखे से कपि ने देखा जो जो राम नजर आए बन के श्याम नजर आए। बहुत बहुत धन्यवाद है। जो राम नजर आ रहे थे वही श्याम बन के नजर आने लगे। ये सम्मानी भैया हमारे श्री महेंद्र तिवारी जी, नया खेड़ा सेमरी चौराहा रायबरेली, ये भैया की तरफ से 100 रुपए का मूल्यवान आशीर्वाद आया है। जी जी जी, शीतला माता जन कल्याण समिति की तरफ से ये पुरस्कार मिल रहा है। भगवती से आपके सुखी जीवन की कामना कर रही हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ। लेकिन एक निवेदन भी कर रही हूँ कि अगर सुबह आप जाएं तो हमको भी लिए चलिएगा, हम भी वहीं जा रहे हैं। सरेनी में लालमन भैया से कार्यक्रम लगा है। हाँ, हमारे साहू जी पहुंचेंगे। प्रयास से सुनिएगा। पंखों के झरोखे से कपि ने देखा जो गौर से, पंखों के झ
और ये हमारे भैया रम्मू राय जी, आप सूरजपुरा से हैं, आपकी ओर से 51 मुद्राओं का आशीर्वाद आया है, बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद है। हनुमान जी महाराज ये सारा नजारा देखते रहे, हनुमान जी महाराज विचार करने लगे मन में, बहुत बढ़िया। तब दूर से ही देखते हनुमान रह गए और सोचने लगे बदले की अपने मन में ठान ठान रह गए, बोले इसका बदला मैं लूंगा जरूर। आज इन्होंने मेरे प्रभु को रूप बदलने के लिए कहा है, एक समय ऐसा भी मैं लाके खड़ा कर दूंगा कि इनके प्रभु को भी रूप बदलना पड़ेगा। तो हुआ क्या, द्वापर के इंतजार में बलवान रह गए, सब जान गए बन के अनजान रह गए, सब जानते हुए भी हनुमान जी अनजान बन के रह गए और सोच रहे हैं क्या क्या कि मेरे आराध्य भगवान राम सुख दुख में संग रहे गुजरे हर दौर से, सुख दुख में संग रहे गुजरे हर दौर से, लेकिन आज जो हनुमान जी ने बदला अपना कैसे लिया, बदला कैसे लिया, जब एक बार तीन लोगों को घमंड हुआ, गरुण जी को अपने तेज गति पर उड़ने पर घमंड हो गया, सत्यभामा को अपनी सुंदरता पर घमंड हो गया और सुदर्शन चक्र को भी घमंड हो गया। अब चूंकि भगवान तो वैसे ही सबका घमंड चूर करने वाले हैं, भगवान ने जाना इनका घमंड बढ़ गया है, इनका घमंड चूर करना पड़ेगा। बिल्कुल, भगवान कन्हैया लाल बैठे हैं और उन्होंने गरुण जी से कहा जाओ उस पर्वत पर हनुमान जी बैठे हैं तपस्या कर रहे हैं, उनसे कह देना कि जाओ तुमको तुम्हारे प्रभु ने याद किया है, याद किया है। क्या होता क्या है, चपलता छोड़ गिरधर गंभीर बन गए, चपलता चंचलता छोड़ करके गंभीर बन गए, कैसे कैसे रूप बदलना पड़ा है, धनुष धारण करके वो रघुवीर बन गए। तो हुआ क्या,
जो जाने हरी माया, जो जाने हरी माया, वो क्या पूछे और से, जो जाने हरी माया, वो क्या पूछे और से। तो उन्हें राम नजर आए और श्याम नजर आए, उन्हें राम नजर आए, उन्हें राम नजर आए और श्याम नजर आए। बहुत धन्यवाद है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।